हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चे? आई होप एवरीवन इज फाइन देयर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स। कि जब भी हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं तो उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। आपको पता है कि जो लास्ट वीक हमारा गया उसमें हमने एक भी क्लासेस नहीं ली थी, क्योंकि आपके पीरियोडिक टेस्ट चल रहे थे और पीरियोडिक टेस्ट में जो आपके चैप्टर्स आए थे साइंस में, वो प्रीवियस चैप्टर थे जो आपको पहले करवाए गए थे। मैंने ऐसा कोई भी न्यू चैप्टर आपके पीरियोडिक टेस्ट में नहीं दिया, क्योंकि क्या पता कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते। इस वजह से स्टार्टिंग के चैप्टर्स दिए गए हैं, मेटल एंड नॉन मेटल आपको पीरियोडिक टेस्ट में दिया गया था, एंड फिजिक्स में चैप्टर था आपका लाइट। तो आफ्टर पीरियोडिक टेस्ट जो आपका टॉपिक है वो है इसमें हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कंबशन एंड फ्लेम। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर अवर जनरल नॉलेज बच्चे। देखो, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स में क्या होता है कि जब भी हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं, कोल, वुड, चारकोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, इन सब चीजों को जब हम जलाते हैं एज अ फ्यूल, क्योंकि फ्यूल इज वेरी नेसेसरी फॉर अस, क्योंकि जब भी हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो उससे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है जिसका यूज हम वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए करते हैं। तो इन फ्यूल्स के थ्रू जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, वो हमें डिस्कस करने कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते बट बाद में इसके बहुत ज्यादा खतरनाक परिणाम होते हैं। सो जब भी हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, चारकोल, वुड, केरोसिन, डीजल, इन सबको जलाने के बाद बेटा कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न पार्टिकल्स मतलब जो बिना जले पार्टिकल, एशेज जिसको बोलते हैं हम, वो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द नेचर, क्योंकि उनको बोलते हैं हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी एनसीआर रीजन के अंदर जाते हैं तो वहां पर एक पॉल्यूशन का इंडेक्स होता है कि कौन कौन से पार्टिकल कितने कितने, उसमें एसपीएम के अंदर लिखते हैं वो रिकॉर्ड पार्टिकल्स का, कि पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते हैं बट उनका साइज वो एसपीएम में रिकॉर्ड होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो उसमें बेटा वो पार्टिकल्स अनबर्न्ड होते हैं जो काफी हार्मफुल होते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा किसका कारण बनता है, वो रेस्पिरेटरी डिजीज का। रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब जो सांस की प्रॉब्लम होती है बेटा, जैसे अस्थमा, क्योंकि वो पार्टिकल्स जब हम सांस लेते हैं तो हमारे गले में, नाक के अंदर फंस जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, साथ साथ वो अंदर जाते हैं जिससे काफी तरह की बीमारी होनी शुरू हो जाती है बेटा। इट्स वेरी हार्मफुल, अ पर्सन कैन नॉट टेक ब्रीथ स्मूथली। तो इसमें क्या होता है, देखो आपने देखा तो हमारी नोज के अंदर भी जो हेयर्स होते हैं है ना, वो फिल्टर का काम करते हैं, जितने भी ऐसे पार्टिकल्स होते हैं उनको स्टॉप करके और प्योर एयर को अंदर भेजते हैं, बट कुछ पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि वो एयर के साथ साथ अंदर चले जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ही अगर हम इसमें दूसरा एग्जांपल लें कि कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं बेटा जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है उसमें से हार्मफुल गैसेज रिलीज होती है। हार्मफुल गैसेज रिलीज मीन्स कि अगर हम एग्जाम्पल लें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी पॉइजनस गैस एंड इट प्रोड्यूस ओनली व्हेन द सब्सटेंस अंडरगोस इनकम्प्लीट कंबशन। मीन्स कि जब भी हम किसी भी कार्बन के फ्यूल को जला रहे हैं और वहां पर ऑक्सीजन इनसफिशियंट अमाउंट के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर इसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता, जिससे पॉइजनस गैस रिलीज होती है सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें मिथेन का, मिथेन को अगर हम इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इट रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड में हीट एनर्जी। ये इसको बोलते हैं बच्चे मीथेन, ये एक हाइड्रोकार्बन है
दिस वन इज ऑक्सीजन, दिस वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दैट इज वॉटर. ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मिथेन का हम एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं. इन सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जब हम इसको जला रहे हैं तो जो गैस रिलीज हो रही है वो है बच्चे यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज हो रहे हैं, वॉटर. अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें, इट इज वेरी पॉइजनस गैस, बहुत जहरीली गैस होती है, और जो इसका इफेक्ट होता है वो इंस्टेंटली देखने को मिलता है. अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल लू तो देखो क्या होता है, सर्दियों में कई बार जब ज्यादा सर्दी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, रूम के अंदर ही अंगीठी जला लेते हैं. अब अंगीठी में हम क्या यूज कर रहे हैं, कोली तो यूज कर रहे हैं, कोयला लकड़ी ये यूज करते हैं, और हमने रूम को क्या कर लिया, बंद कर लिया, विंडो बंद कर ली ठंड की वजह से, और अंदर क्या जला रखी हमने, अंगीठी जला रखी है. अब जब भी हम किसी भी इस तरह के सब्सटेंस को जलाते हैं, कोल को या वुड को, तो ये कार्बन के बने हुए होते हैं. जलाने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना. अगर सफिशियंट अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन आ रही तो होगा कंप्लीट कंबशन. अब जब हमने रूम चारों तरफ से बंद कर दिया तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई, लिमिटेड हो गई. भाई जो रूम में ऑक्सीजन है सिर्फ वही ऑक्सीजन मिल रही है उसको, जिससे उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है और वो रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करता है. और अगर उस रूम में कोई भी पर्सन सो रहा होता है ठंड की वजह से, और रूम में अंगीठी चला रखी है और वहीं पर वो सो रहे हैं, तो सुबह तक उस इंसान की डेथ हो जाती है. उसका रीजन क्या होता है बेटा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम ब्रीथिंग करते तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी कर देती है, जिससे इंसान का दम घुटता है और दम घुटने के बाद उसकी डेथ हो जाती है. सो इट इज वेरी डेंजरस फॉर अस, तो हमेशा ध्यान रखना फ्यूचर में कभी भी, क्योंकि जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पर लोग इन चीजों को ध्यान नहीं देते ज्यादा. तो आपको इसको याद रखना है, किसी को बताना भी है, कि कभी भी हमें इस तरह के फ्यूल को रूम के अंदर रख के नहीं सोना चाहिए. क्लियर हुआ? इसके बाद अगर हम यहां पर अब एग्जांपल लें, ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, जब भी हम पेट्रोल और डीजल को बर्न करते हैं, किसमें बर्न होता है, ऑटोमोबाइल्स में, भाई उसमें हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं. तो जब भी हम ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल या डीजल का यूज करते हैं बेटा, तो जब वो जलता है तो उसमें भी क्या होता है, उसमें से सल्फर पार्टिकल्स निकलते हैं, गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड. जब वो फ्यूल जलना शुरू होता है तो उसमें से काफी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, इट इज वेरी सफोकेटिंग गैस, ये बहुत सफोकेटिंग होती है, और दूसरा इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है एंड क्रिएट द पोल्यूशन. इज इट क्लियर? सेम जब व्हीकल के अंदर हम इन्हीं फ्यूल्स का यूज करते हैं तो उसमें एक और गैस रिलीज होती है बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोल सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जैसे ही एयर के अंदर मिक्स होते हैं, तो जब बारिश आती है शुरू में, ये बारिश के साथ मिक्स होकर वहां पर क्या बना देते हैं, एसिड बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एसिड. और ये एसिड किसके साथ? रेन वाटर के साथ. जब अर्थ सरफेस पर पहुंचता है तो उसको बोलते हैं जी एसिड रेन. जो हार्मफुल गैसेस होती है, जैसी बारिश के पानी के साथ मिक्स होती गैसेस, ये एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. और जब शुरुआती बारिश के अंदर जो पानी आता है वो सारा एसिड रेन कहलाता है बेटा, विच इज वेरी हार्मफुल. अब जितने भी मोनूमेंट्स है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले जनरली ताजमहल, तो आपने देखा होगा ताजमहल जो वो पीला पड़ता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, इस एसिड रेन की वजह से. मार्बल के पत्थर जो बाहर होते हैं वो सारे येलो होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो इसमें एसिड आता है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, मार्बल के साथ. मार्बल को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और वो कैल्शियम कार्बोनेट से जैसे ही रिएक्शन करता है तो वहां पर सोल्ट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है. सो दिस इज वेरी हार्मफुल एज इट इज. ये जो एसिड रेन है, इट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स. जो समुद्र के अंदर नदियों के पानी में जब वो एसिड जाता है तो उससे क्या होता है बेटा, उस पानी का एसिड लेवल जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, उससे पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाती है उसकी. तो जो एसिड रेन है, इट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स. ऐसे ही खेतों की अगर हम बात करें तो मिट्टी की फर्टिलिटी पावर जो होती है उसके ऊपर भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है. तो ये सारा पोल्यूशन किससे फैल रहा है, ऑटोमोबाइल से, मीन्स यूजेस ऑफ फ्यूल्स, कि हम जो फ्यूल यूज कर रहे हैं ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं. क्लियर हुआ?
अब जैसे अगर आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक में जब आप चला रहे हैं पेट्रोल हम डलवा रहे हैं उसके अंदर यूज कर रहे हैं, जब वो फ्यूल बर्न हो रहा है तो उस टाइम किसी के माइंड में कुछ नहीं आता कि जब ये फ्यूल जल रहा है जो टॉक्सिक गैसेस हार्मफुल गैसेस इसमें से रिलीज हो रही है इसका इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा, हम ऐसा कुछ नहीं सोचते। सो हमें इन चीजों का जो यूज है वो कम से कम करना चाहिए, एक्सेस में किसी भी चीज का यूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक और इसके अंदर कंसेप्ट आता है बच्चे जिसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि जब अर्थ के एवरेज टेम्परेचर के अंदर कुछ राइज होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर बनना शुरू हो जाती है। क्यों बन रही है जी? क्योंकि जब भी हम किसी फ्यूल को जला रहे हैं तो उस फ्यूल को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी एटमोस्फेयर में जाएगी तो एटमोस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी ज्यादा होनी शुरू हो जाती है विच ट्रैप द सन एनर्जी, सनलाइट उसको ट्रैप करती है अर्थ सरफेस पर ही, जिससे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है राइज होता जा रहा है, ड्यू टू विच जो ग्लेशियर्स है वो कंटिन्यूअसली मेल्ट होते जा रहे हैं, सी लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये उसके सारे हार्मफुल इफेक्ट है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है जब अर्थ के एवरेज टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इज इट क्लियर? तो ये सारे हैं हार्मफुल इफेक्ट से कि जब भी हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं। देखो इन सब चीजों को कम भी किया जा सकता है, जैसे कि हम जो बाइक में यूज करते हैं कैटेलिटिक कन्वर्टर। कैटेलिटिक कन्वर्टर एक डिवाइस होती है जो हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस गैसेस के अंदर कन्वर्ट करती है। जैसे किसी भी फ्यूल का अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी और कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या करता है ऑक्सीजन पास करवा के कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट, मींस हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करता है। इज इट क्लियर? तो यही रीजन है बच्चे कि जो हमारी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज भी है उसके अंदर भी कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है। पहले हम डीजल पेट्रोल से व्हीकल को ऑपरेट करते थे, अब हम किसका यूज किया फिर बाद में सीएनजी का। सीएनजी इज वेरी नेचुरल गैस और सीएनजी गैस का जब हम यूज करते हैं तो उससे जो पोल्यूशन क्रिएट होने की इफिशियंसी है वो बहुत कम हो जाती है। इट इज अ क्लीन फ्यूल कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और सीएनजी एक बिल्कुल क्लीन फ्यूल होता है जो विदाउट स्मोक चलता है बेटा। ऐसा नहीं कि इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, पोल्यूशन होता है कुछ ना कुछ अमाउंट में क्योंकि सीएनजी भी क्या होता है तो कार्बन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज होगी बट एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल उसमें कम पोल्यूशन क्रिएट होता है और दूसरा इसमें किसी तरह की कोई एशिज भी रिलीज नहीं होती। क्लियर हुआ? दैट्स व्हाई वी यूज द सीएनजी एज अ फ्यूल। और आजकल जो हम यूज कर रहे हैं आपने देखा होगा वो इलेक्ट्रिक भी यूज कर रहे हैं, भाई ई रिक्शा चल रही है आपने देखा होगा, तो ट्रेनें जो है वो भी हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगभग इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से जब हम यूज करेंगे तो उससे किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं है क्योंकि हम किसी फ्यूल को तो जला ही नहीं रहे। पोल्यूशन किस जगह होगा? जहां हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर थर्मल पावर प्लांट का, बट अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता। अब एक एग्जाम्पल मैं अगर लू यहां से द केस ऑफ वुड या काउडंग केक एंड सीएनजी। भाई हम घर पर खाना बनाने के लिए एक तो सिलेंडर यूज कर रहे हैं एलपीजी यूज कर रहे हैं, दूसरा हम यूज कर रहे हैं कोई लकड़ी या काउडंग केक उपल जिसको बोलते हैं, तो बेटर फ्यूल कौन है? एलपीजी। भाई अगर आप लकड़ी का यूज कर रहे हैं एज अ फ्यूल तो उससे क्या होगा? जैसे हम लकड़ी को जलाएंगे तो एशिज रिलीज होगी, हार्मफुल गैसेज रिलीज होगी, स्मोक रिलीज होगा, वो किसको पोल्यूट करेगा? एनवायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करेगा। और वहीं अगर हम एलपीजी का यूज करेंगे इट इज अ क्लीन फ्यूल जिसकी वजह से कोई हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं होगी और दूसरा ना ही कोई ऐश रिलीज होती है। दैट्स व्हाई वी यूज द एलपीजी एज अ फ्यूल एज कंपेयर टू वुड एंड काउ डंग। इज इट क्लियर? तो ये आपका कंसेप्ट था कि जो भी हम फ्यूल को जलाते हैं उससे किस किस तरह के हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका ये चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम ये कंप्लीट होता है। तो आई होप कि सब बच्चों को ये टॉपिक समझ में आया हो और जो भी आपको कंसेप्ट कराए गए हैं बेटा एक बार उसको आप अच्छे से रिवाइज करना इस पूरे चैप्टर को और इसके असाइनमेंट टाइमली प्रिपेयर करना। क्लियर? सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम स्टे सेफ।